तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालात सामान्य होते जा रहे हैं। पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। जगह जगह पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीबीएसई की आज से परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। हिंसा के चलते परीक्षाएं स्थगित की गई थी और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की जा रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में आज से सीबीएसई की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। साथ ही जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं वहां पर भी अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस की अपील भी है कि अफवाहों से किसी तरीके का कोई संज्ञान न लें, ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान न दें। स्थिति सामान्य हो रही है, उत्तर पूर्वी दिल्ली के हालात अब बेहतर हो रहे हैं। पुलिस शांति बनाए रखने की अपील भी कर रही है। तो ये तमाम चीज़ों के बीच में तमाम चीज़ें चल रही हैं और इन तमाम सामान्य हालात के बीच में आज से सीबीएसई की परीक्षाओं की भी उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में शुरुआत हो रही है। क्योंकि हिंसा के चलते इन इलाकों में जो परीक्षाएं थी उनको स्थगित किया गया था। पूजा राठौर शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, एग्ज़ाम्स को लेकर, परीक्षा को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? क्या आज से जो शुरुआत की बात कही गई उसको लेकर तमाम तैयारियां हैं और क्या जो एग्जाम देने वाले छात्र हैं वो पहुंच पा रहे हैं? देखिए जाकिर, मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूँ और जाफराबाद वो इलाका है जहाँ जो है सीए एनआरसी को लेके हमने देखा था कि जो महिलाएं थी वो सड़कों पर आ गई थी और कहीं ना कहीं जो हिंसा की शुरुआत है इन इलाकों से होते हुए जो है आगे बढ़ी थी। आज की अगर मैं बात करती हूँ तो बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स की जो है शुरुआत हो चुकी है इन्हीं तमाम इलाकों में, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत ये हिस्सा भी आता है। तो यहाँ पर भी जो है 12th और 10th की परीक्षाएं हैं स्थगित कर दी गई थी, लेकिन कल सीबीएसई बोर्ड की तरफ से सर्कुलर एक जारी किया गया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि 10th और 12th के जो एग्जाम्स हैं वो तय शेड्यूल के अकॉर्डिंगली ही होंगे। इस वक्त मैं यहाँ जाफराबाद के एक सरकारी स्कूल के बाहर यहाँ मौजूद हूँ। 10 बजे का टाइम था, आज 12th क्लास का एग्जाम है फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स का। 10 बजे एंट्री जो है शुरू हो चुकी थी तो स्टूडेंट्स अंदर जा चुके हैं। अब से कुछ ही देर में यानी करीब 10:30 बजे जो है एग्जाम भी शुरू हो जाएगा। 10th क्लास की बात करते हैं तो उसका म्यूजिक का एग्जाम है तो उतनी भीड़ आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से आप देख सकते हैं हिंसा इन इलाकों में देखी गई थी उसी को देखते हुए जितने भी एग्जाम सेंटर्स हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुल 86 ऐसे सेंटर्स हैं जहां सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे थे और उसी को देखते हुए यहां पर सीबीएसई बोर्ड ने दिल्ली पुलिस। यहाँ पर दिल्ली पुलिस प्रशासन से पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की बात की गई थी। हर एग्जाम परेशानी, किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स या उनके साथ जो पेरेंट्स पहुँच रहे हैं उनको ना हो, इसका पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। तो इस तरह के जो है हालात आपको देखने को मिलेंगे। 26, 27, 28, 29 ये 4 दिन थे जो एग्जाम्स जिनको स्थगित किया गया था और उसमें कई मेन ऐसे एग्जाम्स थे, इंग्लिश का था, हिंदी का था, कई ऐसे जो सब्जेक्ट्स थे जो रह गए थे। अभी हालांकि फिलहाल वो जो 4 दिन के जो एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए थे अभी फिलहाल उनकी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन जो तय शेड्यूल था पहले से ही जो डेट दे रखी थी सीबीएसई की तरफ से फिलहाल जो है उन डेट्स के अकॉर्डिंगली एग्जाम्स हो रहे हैं और उन 4 दिनों के लिए अभी तारीखें जो है आगे तय की जाएंगी और उसके बाद उसकी घोषणा कर दी जाएगी। जी बिल्कुल पूजा, और जब ये अब एग्जाम खत्म होगा तो शायद एक आंकड़ा वो भी सामने आया कि कितने छात्र पहुँच पाए एग्जाम सेंटर तक, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, वो उससे भी शायद चीज़ें थोड़ी सी स्पष्ट होंगी कि किस तरह के हालात अब बनते जा रहे हैं। क्योंकि शांति की तरफ तो उत्तर पूर्वी दिल्ली बढ़ रहा है और जो छात्र हैं जाहिर सी बात है जो मानसिक तौर पर तैयारी होनी चाहिए उतनी मजबूत नहीं होगी जिस तरह के हालात थे, लेकिन फिर भी छात्र पहुँचे हैं
और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि बेहतर स्थिति में वो एग्ज़ाम भी देंगे और बेहतर रिजल्ट भी हासिल करेंगे। तरह के हालात उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहे हैं, जाहिर तौर पर पहले ही जिन स्टूडेंट्स पर एग्जाम्स की का स्ट्रेस हो और उसके बाद उनके घर के बाहर इस तरह के हालात हो जहां लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, आगजनी हो रही है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर ये तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट 25 से लेके 29 तारीख तक अपने एग्जाम के लिए नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि 26 से 29 के एग्जाम तो पोस्टपोन कर दिए गए थे, लेकिन 25 तारीख को भी जो स्टूडेंट नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए भी जो है पूरा प्रावधान किया गया है। मैं आपको यहां बता दूं कि जो भी स्टूडेंट या जो भी कैंडिडेट हैं, अगर वो अभी भी किसी भी कारणवश यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं 7 मार्च तक, तो CBSE ने ये प्रावधान दिया है कि वो अपना नाम स्कूल के प्रिंसिपल को पहले ही लिखवा दें और उसके बाद वो जो सूची है वो जो है CBSE को भेज दी जाएगी और उसके बाद जो है उनके लिए आगे अलग से जो है डेट प्रेस्क्राइब की जाएगी और उसके बाद उनके एग्जाम्स ले लिए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी भी वजह से, 7 मार्च तक एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, किसी बात का वो तनाव ना लें, उनके लिए भी CBSE ने ये प्रावधान दिया है। दूसरी बात, जो 4 दिन एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है, हालांकि अभी डेट उसके लिए निर्धारित नहीं की गई है। तो CBSE खास तौर पर ये बात कह रहा है कि आप किसी तरह का टेंशन, किसी प्रकार का स्ट्रेस ना लें। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि पुलिस भी स्कूल्स के आसपास नज़र आ रही है और छात्रों से भी बात करके एक तरह से कॉन्फिडेंस उन्हें दिया जा रहा है कि आप घबराएं नहीं और एक मजबूत मानसिक स्थिति के बीच में आप परीक्षा केंद्रों पर पहुँचें, एग्ज़ाम दें, बेहतर परीक्षा की उम्मीद के साथ आप एग्ज़ाम दें। पुलिस गश्त भी कर रही है, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, तमाम स्कूलों के दौरे पर भी है। और ये जो स्थिति है, इन तमाम चीज़ों के बीच हम अपने सहयोगी कुलदीप का रुख कर लेते हैं। कुलदीप, आप मौजपुर में वहाँ मौजूद हैं, हालात क्या हैं, जिस तरह से स्थिति बेहतर हो रही है फिलहाल सड़क के और आसपास की जो दुकानें हैं उनको लेकर क्या हालात? बिल्कुल शाकिर, देखिए आज की तस्वीरें भी यहाँ काफ़ी अच्छी तस्वीरें हैं, अच्छी खबर लेकर आई है भोजपुर इलाके के लिए। जो इलाका 3 दिन तक हिंसा में झुलसा हुआ था वहाँ भी अब देखिए सुबह की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरी तरीके से हालात यहाँ पर अब लगभग सामान्य हो गई है। ट्रैफिक पर जो ट्रैफिक की जो आवाजाही है वो सड़क पर पूरी तरीके से नॉर्मल है, लोगों का जो आवाजाही है सड़कों पर वो पूरी तरीके से सामान्य है और जो मार्केट में एक चहल पहल होती है वो चहल पहल भी हमको आमतौर के दिनों की तरह ही नजर आ रही है। लोगों के चेहरे पर अब वैसी चिंता नहीं है, लोग अब लग नहीं रहा कि अब किसी चीज को लेकर चिंता में है, लोग भी काफी नॉर्मल लग रहे हैं, उनके चेहरों को देखकर यह लग रहा है कि वो उन्होंने भी जो बुरा दौर था उसको पीछे छोड़ दिया। देखिए आप, इस मार्केट की ज्यादातर दुकानें अब खुलनी शुरू हो गई है, हालांकि ये मार्केट थोड़ी लेट खुलती है तो ऐसे में ये दुकानें आपको भी बंद नजर आ रही होगी, लेकिन थोड़ी देर में ये दुकानें भी खुल जाएगी। लेकिन अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी पुलिस बल और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वो तैनाती इसीलिए की गई है कि लोगों में जो भरोसा है सामान्य हालातों को लेकर वो बरकरार रहे, लोगों को ये महसूस होता रहे कि उनके यहाँ पर जो हालात है वो पूरी तरीके से सामान्य है और अगर कुछ दिक्कत होती है माहौल को अगर बिगाड़ने की कोशिश फिर से कोई करता है तो उससे निपटने के लिए भी सुरक्षा बल उनके इलाके में पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। तो अब यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर हालात लगभग शाकिर मौजपुर में पूरी तरीके से सामान्य हो गए हैं। हम लगातार 3 दिनों से देख रहे हैं कि जो यहाँ की जिंदगी है वो धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी और अब आप कह सकते हैं कि मौजपुर ने जो बुरा दौर था उस दौर को भुला दिया है और अब मौजपुर जिंदगी की पटरी पर लौट आया है और अब यहाँ पर हालात पूरी तरीके से सामान्य हो गया। हालांकि कुछ एक दुकानें ऐसी हैं जो अभी नहीं खुली है लेकिन उनको खुलवाने की कोशिश लगातार प्रशासन और पुलिस दोनों कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये कंसीडर करने की कोशिश की जा रही है कि अब यहाँ पर हालात पूरी तरीके से सामान्य हो गए हैं, वो अपना अपना कारोबार जो है, अपना जो काम धंधा है उसको शुरू कर रहे हैं और लोग भी पुलिस और प्रशासन की इस अपील पर यकीन करने के लिए तैयार है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज लगभग
सारी दुकानें जो है मौजपुर में लगभग खुली हुई है। मौजपुर से आगे भी पूरी मार्केट है, वहां भी हम जायजा लेकर आए, वहां भी हमने देखा है कि ज्यादातर जो फर्नीचर की दुकानें हैं आगे जो खुली हुई थी वो दुकानें भी जो है खुल चुकी है। साथ में पीछे हमने देखा कि जो गद्दा मार्केट थी वहां पर करीब 50 दुकानें भी खुल चुकी है। तो अब यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर चीजें पूरी तरीके से सामान्य हो गई है। लोगों ने अपना जो रोजमर्रा का काम था वो बिना किसी डर के बिना किसी दहशत के करना शुरू कर दिया। हालांकि कल रात को जिस तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म हुआ था दिल्ली के कई इलाकों में अफवाह फैल गई थी कि वहां कि कुछ इलाकों में दंगे हो गए, कुछ इलाकों में हालात खराब हो गए, तो उसके बाद यहाँ भी थोड़ा सा टेंस का माहौल हो गया था। लेकिन चूंकि यहाँ पर पुलिस और सुरक्षा बल पहले से मुस्तैद थे तो इस अफवाह को उन्होंने जो है यहाँ के माहौल पर उसका असर नहीं पड़ने दिया गया और लोगों को वक्त रहते ये समझा दिया गया और ये मैसेज दे दिया गया कि वो सिर्फ एक कोरी अफवाह थी और पूरी दिल्ली में शांति बरकरार है और उनके इलाके में भी लोगों को इन अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी जो अफवाह है वो कुछ असामाजिक तत्व